हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। इन घटनाओं में अपन ने पहली घटना देखी थी, पहली घटना थी कांच की आयताकार पट्टिका से अपवर्तन। अब दूसरी घटना पे अपन पहुंचते हैं, तो दूसरी घटना क्या है ये आप देखेंगे। तो दूसरी घटना अपन लेते हैं, किसी पानी से भरे टैंक में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। आपने देखा होगा, कोई भी पानी से भरा हुआ टैंक ले लें, बाल्टी ले लें, उसमें अगर सिक्का रख दिया जाए तली में, तो ऐसा आभास होता है जैसे सिक्का ऊपर उठा हुआ है, या जो बाल्टी अपन ने लिए, जो टैंक लिया, उसका पैंदा जो है, पैंदा वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन से संबंधित घटनाएँ। तो जैसा कि आपको आंसर पता है कि अपवर्तन के कारण ही होगा, लेकिन अपवर्तन के कारण कैसे होगा ये समझिए आप। जैसे आप देखें, मैंने ये पानी से भरा टैंक लिया, ये पानी से भरा टैंक, इसमें यहाँ पे रखा अपन ने एक सिक्का कॉइन रख दिया अपन ने, ये कॉइन इसके तल में, इसके पैंदे में अपन ने एक कॉइन रख दिया। अब क्या करते हैं अपन मान लेते हैं कि यहाँ तक पानी से भरा हुआ है, यहाँ तक पानी से भरा हुआ है। तो आप देख पाएंगे कि जब अपन यहाँ से देखेंगे, ये अपनी आँख है ये इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ से जब अपन अवलोकन करेंगे इस सिक्के का, तो ये सिक्का कैसे दिखाई देगा, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये आपको देखना है। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा कि देखो आप, प्रकाश की किरणें इस सिक्के से निकलकर हमारे आँखों की ओर जाएंगी, और जब प्रकाश की किरणें आँखों की ओर जाएंगी तो कैसे जाएंगी आप देखना, कि जैसे एक प्रकाश की किरण आपकी गई इस तरीके से यूँ गई। अब यहाँ पे देखो माध्यम परिवर्तित हो रहा है, नीचे सघन माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है। तो जब माध्यम परिवर्तित होगा तो यहाँ पे एक अभिलंब खींचेंगे हम यूँ। अब बताओ ये प्रकाश की किरण, देखो सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है वो इस सिक्के से टकराएगा, और सिक्के से टकरा कर जब वापस ये प्रकाश की किरणें जाएंगी, तो देख पा रहे हो ये किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी। तो सघन माध्यम में विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएंगी, तो जाना चाहिए इनको सीधा, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाएंगी, मतलब इस तरीके से आँख की तरफ जाएंगी, बोलो जाएंगी यानी, बोलो कोई दिक्कत इसमें। एक प्रकाश की किरण अपन दे मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण इस सिक्के से इस तरीके से जा रही है, ये पानी की जो ऊपरी सतह है इसके लंबवत जा रही है। तो हमने पढ़ा था कि जो किरण सतह के लंबवत एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी वो सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी या नहीं बताओ, क्यों? क्योंकि आपतन कोण का मान जीरो है, तो अपवर्तन कोण का मान भी जीरो होगा, तो अभिलंब के अनुदिश सीधी निकल जाएगी। अब बात करें प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास दो अपवर्तित किरणें होनी चाहिए। तो दो अपवर्तित किरणें कौन कौन सी होंगी ये देखिए आप, पहली किरण ये, दूसरी ये, ये दोनों किरणें आगे कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, लेकिन जब इन्हें पीछे बढ़ाया जाए तो जहाँ पे काटेंगी वहाँ इस सिक्के का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको पीछे बढ़ाया जाए तो यही लाइन आएगी, लेकिन इसको यदि पीछे बढ़ाया जाए ऐसे यूँ, तो ये दोनों यहाँ आके कट करेंगी, काटेंगी, तो ये जो सिक्का जो है वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, मतलब सिक्का जो है वो अपनी जगह से विस्थापित हुआ दिखाई देगा। इस विस्थापन का केवल आभास होगा, सिक्का अपनी जगह रखा हुआ है लेकिन इसका प्रतिबिंब थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो बताओ किसके कारण हुआ, बताओ अपवर्तन के कारण, ठीक है। इसी में यदि बात करें आभासी गहराई, वास्तविक गहराई, और ये जो विस्थापन हुआ इस विस्थापन की, तो ये अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि मान लें इस टैंक में ये जो जल भरा हुआ है, जल की ऊंचाई कितनी है बताओ, एच, इस टैंक में जो जल भरा हुआ है, जल की वास्तविक ऊंचाई, रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई या वास्तविक ऊंचाई, तो ये अपन ने कितनी मान लेते हैं बताओ, एच, तो वास्तविक ऊंचाई अपन ले लेते हैं एच वास्तविक ऊंचाई ये अपन ले लेते हैं h, और ये जो है आपके पास जो सिक्के का ये जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, इस प्रतिबिंब तक की ये वाली गहराई अपन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बताओ, h डैश। तो
तो अपन ने ये ले ली आभासी गहराई, मतलब प्रतिबिंब जहाँ दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब का हमें आभास हो रहा है, तो इस गहराई का नाम रख सकते हैं आभासी गहराई या आभासी ऊंचाई। ठीक है, आप ऊंचाई या गहराई कह सकते हो, ज़्यादातर गहराई ज़्यादा सूटेबल रहेगा क्योंकि अंदर की तरफ ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये हमने लिखा। अब अपन संबंध निकालते हैं। तो देखो, हम मान लेते हैं कि ऊपर वाला माध्यम निर्वात है, ऐसा मान ले, और अंदर वाला जो माध्यम है ये माध्यम क्या है, जल। ऊपर वाले माध्यम को एक बोल देते हैं, नीचे वाले माध्यम को दो बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? या नीचे वाले को एक बोल देते हैं, ऊपर वाले माध्यम को अपन बोल देते हैं दो। अब देखो, आप प्रकाश की किरण कैसे गई, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। पहला माध्यम ये, दूसरा माध्यम ये होगा, तो बताओ अपवर्तनांक ज्ञात करें, म्यू टू वन दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, बोलो होगा या नहीं, क्लियर है? अब देखो अपन बात करते हैं आई कहाँ होगा, यहाँ देखना आप। तो आप गौर से देखेंगे तो ये वाला जो कौन होगा, ये अभिलंब का आपतित किरण के साथ बना कौन, अभिलंब का आपतित किरण के साथ बना कौन, क्या कहलाएगा, आपतन कौन, आई। और अगर आप देखें तो ये जेड की आकृति बनी हुई है, अगर ये जेड की आकृति है तो ये वाला आपतन कौन है, तो ये भी किसके बराबर होना चाहिए बताओ, आपतन कौन आई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आपतन कौन आई के बराबर हो गया। अब देखें आप ये समकोण त्रिभुज, देखें ये वाला जो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में से आप ज्ञात करें किसका मान ज्ञात करें बताएं, साइन आई। तो साइन आई क्या होता है बताओ, साइन आई बोलो, लंब बटे, साइन आई क्या हो जाएगा बताओ, लंब बटे कर्ण, यही तो होगा, लंब बटे कर्ण, साइन आई यही तो होगा अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप देखिए साइन आई का मान अपन यहाँ से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो लंब तो ये वाला हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, तो इनके नाम रख लूँ मैं, मान लूँ ये वाला लंब कितना है बताओ, x, ये तो लंब हो गया अपने पास x, हो गया या नहीं, या इसको आप नाम दे सकते हो त्रिभुज को ए बी सी, ऐसा नाम दे दे, और ये जो जहाँ प्रतिबिंब बना हुआ है यहाँ नाम दे देते हैं डी, दे दिया। अब बताओ लंब की बात करें तो लंब तो हो गया एक्स को आप भूल जाएं, लंब हो गया आपके पास बी सी, लंब हो गया बी सी। ठीक है, और कर्ण क्या हो गया आपके पास ए बी, क्लियर है? इसी तरीके से साइन आर निकालें, आर कहाँ मिलेगा, आर तो आपको पता है आर कहाँ बनेगा, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, ये जो कोण बनेगा ये वाला कोण क्या होगा बताओ, आर। लेकिन ये वाला कोण अगर गौर से देखें तो ये भी आर होगा, कारण क्या है बताओ, कि जब दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं, जब दो समांतर रेखाओं को त्रिक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण क्या रहते हैं बताओ, बराबर। तो ये आर है तो ये भी आर होगा, तो ये आर है तो इस त्रिभुज से, कौन सा त्रिभुज जो दिख रहा है आपको, डी बी सी, इस त्रिभुज से साइन आर का मान निकाले तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब तो वही हो जाएगा बी सी, और कर्ण कितना हो जाएगा बताओ, डी बी, कर्ण हो जाएगा डी बी, बी सी से बी सी कैंसिल, तो म्यू टू वन कितना आ गया बताओ आपके पास, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे उल्टे, डी बी अपॉन ए बी, है ना। अब एक छोटा सा केस लगाएं, छोटी सी कंडीशन बताई थी, आई अत्यल्प है, यदि आपतन कोण का मान बहुत कम है, तो आप देखिए अगर आपतन कोण आई का मान बहुत कम कर दिया जाए, ये कोण कम किया जाए, तो आप देखना है बी बिंदु किधर शिफ्ट होने लगेगा, डी की तरफ, आई का मान घटाते जाएं तो बी बिंदु किधर जाएगा बताओ, डी की तरफ, तो आई का मान अत्यल्प है तो बी किधर शिफ्ट हो जाएगा बताओ, डी की तरफ, तो म्यू टू वन कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला जो बिंदु है, सॉरी डी नहीं है, सी है, सी ये वाला है डी, मुझसे गलती हुई, कि बी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सी की तरफ, तो बी टेंस टू सी, बी टेंस टू सी, तो बी की जगह सी लिखेंगे तो डी सी अपॉन, बी की जगह सी लिखेंगे तो ए सी। अब गौर से देखें डी सी कितना है, डी सी, डी सी किस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच डैश से, और ए सी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से, और म्यू टू वन बताओ दूसरा माध्यम कौन सा था, निर्वात, निर्वात बोल सकते हैं अपन, निर्वात, और पहला माध्यम कौन सा था बताओ, जल,
तो ये आ गया एच डैश बटे एच। लेकिन हमें पता है, ये अपन ने पढ़ा था, अगर इसे उल्टा करेंगे तो वन अपॉन हो जाएगा ही नहीं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन म्यू जल निर्वात, ऐसा लिख सकते हैं, उल्टा हो जाता है। म्यू टू वन बराबर एक बटे म्यू वन टू, तो ये हो जाएगा एच डैश अपॉन एच। अब दोनों तरफ से उल्टा करें तो म्यू जल निर्वात, मतलब जल का निर्वात के सापेक्ष, तो इधर भी उल्टा कर देंगे एच बटे एच डैश आ गया। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक लेते हैं तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। मतलब जल का वाटर म्यू डब्ल्यू, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होगा उसका वास्तविक गहराई और आवासीय गहराई के साथ ये संबंध होगा। मतलब वास्तविक गहराई बटे आवासीय गहराई बराबर जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो ये संबंध आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रकाश से, अब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं पढ़ रहे हैं, तो इसमें अपन तीसरी घटना लेते हैं। तो तीसरी घटना कैसे याद करेंगे ये देखना आप। तीसरी घटना क्या है कि सूर्य का सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद दिखाई देना, आपने देखा है सूर्योदय होने से पहले सूर्य दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त होने के बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। कैसे होता है आप देखिए, जैसे मान लो आपके पास यह अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पर अपन यहाँ खड़े हैं और यहाँ खड़े होकर इस सूर्य को देख रहे हैं इधर, तो आप देखो ये हॉरिजन लाइन है, क्षैतिज रेखा है। मान लो सूर्य यहाँ है तो हॉरिजन लाइन या क्षैतिज रेखा क्या होती है, जब सूर्य इस रेखा से नीचे होता है तो उस स्थिति को अपन बोलेंगे कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, और जब इस रेखा से ऊपर आता है तो सूर्योदय हो गया है, और जब ये सूर्य इधर घूम के चला जाता है यहाँ पे इस रेखा के नीचे तो सूर्यास्त हो गया है और इससे ऊपर सूर्यास्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखें कि जब सूर्योदय होने वाला है तब क्या होता है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के चारों ओर, आपको पता है वायुमंडल है, तो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, और वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायु की विभिन्न परतें होती हैं, तो आपको पता है वायु का अपवर्तनांक कुछ ना कुछ तो होता ही है। जैसे निर्वात का अपवर्तनांक एक होता है, वैसे वायु का अपवर्तनांक 1.00 ऐसा कुछ होता है, 0.29 ये होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वायु में प्रवेश करेगी तो निर्वात से वायु में प्रवेश कर रही हैं। अब निर्वात से वायु में प्रवेश करेंगी मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हैं, तो धीरे 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 अभिलंब की ओर मुड़ती जाएंगी, तो लगातार वायु की विभिन्न परतों से जब गुजरेंगी तो लगातार ये सूर्य की किरणें जो हैं वो अभिलंब की ओर मुड़ती जाएंगी और अंत में इस तरीके से आके आपकी आंखों तक पहुंचेंगी ऐसे, है ना। लेकिन हमें पता है प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है, कि जब आपकी आंखों पर ये किरणें पहुंचेंगी तो आपको ऐसा आभास होगा कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं बताओ, इधर सामने से आ रही है, तो इस सूर्य का प्रतिबिंब आपको कहाँ दिखाई देगा बताओ, यहाँ दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि सूर्योदय अभी होने वाला है लेकिन उससे पहले ही आपको सूर्योदय दिखाई देता है, कारण क्या है, वायुमंडल से अपवर्तन के कारण। इसी तरह जब सूर्यास्त होगा तो सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य का प्रतिबिंब ऊपर बनेगा, अर्थात सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूर्य काफ़ी देर तक दिखाई देगा। तो ये क्या होता है कि जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें निर्वात से वायु में प्रवेश करती हैं, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, लगातार वायु की विभिन्न परतों से गुजरती हैं, तो धीरे धीरे वो अभिलंब की ओर मुड़ती जाती हैं और अंततः सूर्य का प्रतिबिंब हमें वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। अब यह समय लगभग 2 मिनट का होता है, मतलब सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले सूर्य आपको दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक सूर्योदय दिखाई देता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगली घटना की, अपवर्तन से संबंधित जो अगली घटना आती है वो अगली घटना आती है तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे टिमटिमाने का क्या कारण है, ये आप सुने कि रात में अपन को तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, ये कारण क्या है, वही है जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन किससे होगा बताओ, वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतों से। अब हमको पता है कि वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें, अलग अलग प्रकार की गैसें भरी हैं, अलग अलग परतों में अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, सबका घनत्व अलग अलग होता है, घनत्व अलग अलग होने से सबका अपवर्तनांक अलग अलग होता है, अलग अलग अपवर्तनांक होने के कारण तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें लगातार अपवर्तित होती रहती हैं। तो जब लगातार अपवर्तित होती हैं तो नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है, इसलिए तारे का बिंदु प्रतिबिंब रेटिना पर हिलता रहता है,
क्यों? क्योंकि लगातार अपवर्तन के कारण जो आँख में जो प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं उनका रेटिना पर प्रतिबिंब हिलता है, उनका रेटिना पर प्रतिबिंब हिलता रहता है, है ना, हर क्षण पे वो हिलता रहता है और वो प्रतिबिंब हिलता है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि तारे जो हैं वो बहुत अधिक दूरी पर हैं और बहुत अधिक दूरी से आता है तो लगातार परिवर्तन के कारण प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है और प्रति क्षण नेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है वो लगातार हिलता डुलता रहता है, मतलब जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर वो भी हिलता डुलता रहता है, मतलब तारे टिमटिमाते नहीं है लेकिन हमें टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें तो ग्रह नहीं टिमटिमाते, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि ग्रह स्वयं प्रकाशमान नहीं होते, ग्रहों का प्रकाश नहीं होता है, तो ग्रहों से पहली बात तो प्रकाश नहीं आता है और नहीं भी आता है, और दूसरा ग्रह तारों की तुलना में हमारे अधिक निकट हैं इसलिए उनका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए वो हिलता डुलता नहीं है, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएँ। आगे नया टॉपिक आपके पास आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये क्या होता है? बड़ा आसान है, देखो आप अपवर्तन से ही समझेंगे। ये मैंने दो माध्यम लिए, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली ये सीमा है, बाउंड्री लाइन है। अब दो माध्यम यदि मैंने लिए तो इन पे मैंने तीन अलग अलग अभिलंब खींचे जिनके सहारे मैं आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को, परावर्तन को समझाऊंगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए आप, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, ऐसा मान के अपन चलेंगे। ठीक है, तो देखो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आपतित किरण है, इसका ये वाला कोण आपतन कोण, और ये अपवर्तित किरण है तो इसका ये वाला कोण अपवर्तन कोण। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब यदि आपतन कोण का मान लगातार बढ़ाया जाए इस दिशा में से, मतलब आपतित किरण को यूं घुमाया जाए या आपतन कोण का मान लगातार बढ़ाया जाए तो पक्की बात है अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। तो ये किरण कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी यूं। तो एक स्थिति ऐसी मिलेगी जब ये अपवर्तित किरण जो होगी वो इस सतह के अनुदिश हो जाएगी। तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब अपवर्तित किरण इस सतह के अनुदिश हो जाएगी और ये ऐसा हो जाएगा। ये जो आपतन कोण होगा, इस आपतन कोण को आई सी से रिप्रेजेंट करेंगे। आई सी मतलब ये होगा क्रांतिक कोण, और यहाँ पे अगर अपवर्तन कोण की बात करें तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा बताओ? 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कैसे? आप देख पा रहे हो जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से इस अवस्था में आई तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब क्रांतिक कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा आप ध्यान से सुने। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो आपतन कोण का वह मान जिस पर संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, आपतन कोण का वह मान जिस पर संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए क्या कहलाता है बताओ? क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्रांतिक कोण है। अब क्रांतिक कोण के लिए समझें, जैसे मान लो ये आपके पास वाटर है, जल है, और ये एयर है या वैक्यूम है, निर्वात है, ये हवा है और ये पानी है। अपवर्तनांक की बात करें, प्रकाश की किरण इस पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो म्यू टू वन दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर साइन आई सी अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू टू वन को अपन क्या लिखते हैं, ध्यान है, म्यू दूसरा माध्यम क्या है, हवा एयर, और पहला माध्यम क्या है, वाटर, और साइन आई सी ऐसे ही आर का मान क्या रखेंगे बताओ? 90 डिग्री, तो साइन 90। ये जो है इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक में बदलेंगे, इसमें क्या है, हवा का पानी के सापेक्ष हमें से बदलेंगे, पानी का हवा के सापेक्ष। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि म्यू टू वन बराबर एक बटे म्यू वन टू, तो ये हो जाएगा म्यू डब्लू ए एक बटे म्यू डब्लू ए, साइन आई सी ऐसे ही रहेगा और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, एक। अब इसको उल्टा करते हैं तो म्यू डब्लू ए बराबर एक बटे साइन आई सी,
मतलब पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक, या इसे केवल पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, 1/sin IC के बराबर होगा। किस अवस्था में, क्रांतिक कोण की अवस्था में, ये विशेष आपको ध्यान रखना है, क्रांतिक कोण की अवस्था में, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आगे देखो क्या होगा, अब भी ना माने कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो बड़े ज़िद्दी होते हैं, ये इसको घुमाने लगे तो छोड़ते नहीं है। तो मान लो कि इसको और ज़्यादा घुमा दिया जाए, आपतित किरण को क्रांतिक कोण से भी और बड़े कोण पर घुमा दिया जाए तो अपवर्तित किरण जो है वो अपवर्तित किरण किधर आएगी बताओ, इसी माध्यम में वापस आ जाएगी। तो मैंने यदि इसको और अधिक घुमा दिया ऐसे यूँ, ये तो ये जो आपतन कोण है बड़ा हो गया किससे बताओ, अपवर्तन कोण से। आपतन कोण बड़ा हो गया किससे बताओ, अपवर्तन कोण से, हुआ है नहीं। और ये वाली किरण इधर आ गई, आ गई है नहीं। तो आप देख पा रहे हैं यदि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा कर देते हैं, सॉरी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर देते हैं तो अपवर्तन कोण का मान जो है वो 90° से बड़ा हो जाता है, अर्थात अपवर्तित किरण जिस माध्यम से प्रवेश करती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है, दूसरे माध्यम में नहीं जाती है। कब, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो यही घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब कोई भी परावर्तक सतह यहाँ उपस्थित नहीं है फिर भी प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई, तो यही घटना क्या कहलाएगी बताओ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या होगी, कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में पुनः लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक शर्तें, पहली तो क्या कि प्रकाश की किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, और दूसरी क्या है बताओ, दूसरी यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इसी स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आगे बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित भी कुछ घटनाएँ हैं जो आपको आगे समझनी है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाओं में पहली आती है आपके पास मरीचिका। मरीचिका क्या होती है आप समझना, कभी आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है उन इलाकों में जब सड़क पर अपन चलते हैं तो ऐसा आभास होता है कि थोड़ी दूरी पर पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी हिल रहा है, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर ऐसा लगता है कि थोड़ी दूरी पर पानी सा हिल रहा है, पानी भरा हुआ है, लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही जो घटना है ये क्या कहलाती है बड़ा, मरीचिका कहलाती है। क्यों कहलाती है मरीचिका, मतलब ये क्यों दिखाई देता है आप समझना, कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब अपन पानी के पास खड़े होते हैं तो पानी के अंदर यदि देखें तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है बताओ, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हम सीधे खड़े हैं लेकिन पानी के अंदर प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा। आसपास की जितनी भी चीज़ें, मकान है, पेड़ पौधे हैं, यदि पानी भरा हुआ तो पानी में उनका प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा। तो हमारा दिमाग जो है वो इस तरह से सेटल्ड होता है कि जब भी उल्टे प्रतिबिंब बनेंगे अर्थात वहाँ पानी उपस्थित होगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि पानी में देखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उल्टे। तो हमारा दिमाग जो है वो जो सेंस करता है वो यही सेंस करता है कि जब उल्टे प्रतिबिंब बन रहे हैं अर्थात वो पानी में बन रहे होंगे, ऐसा आभास होता है। तो मरीचिका को समझें, जैसे आप किसी रेगिस्तानी इलाके में जा रहे हो, किसी सड़क पर जा रहे हो, सड़क के किनारे कुछ पेड़ पौधे उपस्थित हैं, यहाँ कोई पेड़ उपस्थित है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो इस पेड़ की पत्तियों से टकराती हैं, टकराने के बाद परावर्तित होकर जब इस तरफ आती है यूँ, तो इस तरफ आती है तो आपको पता होना चाहिए गर्मी के दिनों में जो थल भाग है वो अधिक गर्म रहता है, तो थल भाग के संपर्क में आने वाली वायु जो है वो और गर्म हो जाएगी, तो गर्म होने से उसके अणु क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, अर्थात थल भाग के पास में जो वायु है उसके अणु दूर दूर हैं, तो वो कैसा माध्यम होगा बताओ, विरल माध्यम होगा, जबकि ऊपर वाले वायु के अणु पास पास होंगे तो सघन माध्यम होगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हैं, और यदि ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण
पर प्रवेश करती हैं तो क्या होता है बताओ, इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अगर ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रवेश करती हैं तो इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और मान लो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस जगह पे अगर हम यहाँ खड़े हुए इसको देख रहे हैं तो जब ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी यूँ तो हमें इधर से आती हुई दिखाई देती है, हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरणें यूँ आ रही हैं, तो इनको यदि पीछे बढ़ाया जाए इस तरीके से तो ये जो पेड़ है इस पेड़ का प्रतिबिंब आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अर्थात जो पेड़ आपके सामने उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताओ, उल्टा बनेगा। और मैंने अभी अभी बताया अपना दिमाग क्या सोचता है कि ऐसे उल्टे प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, पानी में, इसलिए ऐसा आभास होता है जैसे सड़क पर पानी भरा हुआ है। बाकी पानी भरे रहने का भ्रम होता है, आप पास जाके देखें आपका भ्रम ख़त्म हो जाएगा, और ये भ्रम अगर फिर दूर की नज़र से देखें तो फिर ये भ्रम चालू हो जाएगा थोड़ी दूरी पर, मतलब हमेशा भ्रम रहता है लेकिन पानी कभी भी दिखाई नहीं देता है। तो ये कहलाता है मरीचिका। तो ये मरीचिका किस पर आधारित घटना है बताओ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। दूसरा आपके पास जो आता है, दूसरा आता है आपके पास हीरे का चमकना है। हीरा क्यों चमकता है, हीरे का चमकना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ठीक है, तो हीरा कैसे चमकता है, आप सुने ध्यान से कि हीरा जो होता है, पहली बात तो इसके पदार्थ का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 2.42 के आसपास होता है। और हीरे को जब बनाया जाता है, उसकी कटिंग की जाती है, घिसाई की जाती है, जो उसको शेप दी जाती है वो इस तरह से दी जाती है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण हीरे के किसी एक फलक से हीरे के अंदर प्रवेश करती है तो प्रवेश तो वो कर जाती है, लेकिन जब वो प्रकाश की किरण सामने वाले फलक पर टकराती है तो आप देख पा रहे हो जब हीरे से बाहर निकलने का प्रयास करेगी तो हीरा क्या है, सघन माध्यम, और बाहर क्या है, निर्वात या हवा, तो वो क्या है, विरल माध्यम। तो वो प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आने का प्रयास कर रही है और वो अगले फलक पे क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। मैंने बताया आपको हीरे की मैन्युफैक्चरिंग, हीरे की घिसावट, संरचना, बनावट इस तरीके से की जाती है कि वो प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो। तो जैसे ही वो अगले फलक पे प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वहां से उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, मतलब वो प्रकाश की किरण हीरे से बाहर नहीं निकलती है, अंदर ही परावर्तित हो जाती है। अंदर परावर्तित होकर जब अगले फलक पे जाती है फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, फिर अंदर आ जाती है, फिर अगले पे निकलने की कोशिश करती है फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, फिर अंदर आ जाती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यदि एक बार प्रकाश इसमें प्रवेश कर जाए तो लगातार बहुत सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तनों के कारण यह प्रकाश इस हीरे के अंदर ही बना रहता है। तो हीरे के अंदर बहुत अधिक प्रकाश जो है वो विद्यमान हो जाता है और इस प्रकाश के कारण ही हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। अर्थात हीरे की खुद की कोई चमक नहीं होती है, ये प्रकाश उसमें प्रवेश करता है, लगातार बना रहता है, इसलिए ये चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगला आपके पास आता है प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु क्या होता है, प्रकाशिक तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है आप देखना, है ना। तो प्रकाशिक तंतु अपन क्या पढ़ रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं। तो ये जो प्रकाशिक तंतु है ये अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा है और वीडियो कंप्लीट हो गई है। आप इनको लगातार रिवाइज करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें और नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिए जाएंगे। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, अगर आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, अब तक अपन ने जनरल टॉपिक पढ़े, अब मैथमेटिकल टॉपिक आएंगे जो अपने एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एग्ज़ाम में लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो आगे वाले टॉपिक में 4-4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये पीछे वाला सारा एक बार रिवाइज़ कर लें जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे काम आएंगी। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। पहले प्रकाशिक तंतु पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, 4 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगले लेक्चर का आप वेट करें, मेरी तरफ से आप सभी को गुड बाय, थैंक यू।